और अब बेहद दर्दनाक खबर। अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए तालिबान आतंकवादियों और सेना के बीच भीषण जंग छिड़ी है। इसी मारकाट के बीच जंग के हालात कवर कर रहे एक भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युद्ध की आग में जल रहे अफगानिस्तान की हकीकत दुनिया को दिखाने वाले भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी का ये आखिरी वीडियो है। पाकिस्तान अफगान सरहद के स्पिन बोल्डाक इलाके पर कब्जे के लिए जब तालिबान और अफगान की सेना के बीच खूनी जंग जारी थी, उस वक्त भी दानिश गोलियों की बौछार के बीच अपनी ड्यूटी कर रहे थे। जिस गाड़ी में दानिश मौजूद थे उस पर भी ताबड़तोड़ गोलियां बरसी। ये वीडियो उसी हमले का है। हालांकि उस वक्त दानिश बाल बाल बच गए, लेकिन इसी तरह के एक और हमले में उनकी जान चली गई। अफगान सेना के साथ साथ तालिबान की नफरत हर बेखौफ आवाज से, दानिश को भी इसी नफरत के चलते निशाना बनाया गया। पिछले कुछ वक्त से दानिश इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी की तरफ से अफगानिस्तान के हालात को कवर कर रहे थे। वो इंडिया टुडे ग्रुप के साथ भी रह चुके हैं। बेखौफ पत्रकारिता के लिए उन्हें पुलित्जर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। आज तक ब्यूरो। नब्बे के दशक में खौफ का दूसरा नाम कहलाने वाले तालिबान ने अफगानिस्तान में फिर से वापसी कर ली है। 20 साल से अफगानिस्तान में डटी अमेरिकी फौज के वापसी के साथ ही तालिबानी आतंकियों ने आधे से ज्यादा मुल्क पर कब्जा जमा लिया है और लग रहा है कि अब काबुल दूर नहीं। अफगानिस्तान में फिर लौटा तालिबान। देश के 85% हिस्से पर तालिबान का कब्जा। अमेरिकी फौज के जाते ही शुरू हुआ कोहराम। मुल्क के 400 में से 250 जिलों पर किया कब्जा। अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न्स। जिसका डर था वो हो रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के रुखसत होते ही तालिबान का कोहराम शुरू हो चुका है। हर तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट, लूटमार, कब्जा जारी है। जगह जगह अफगान आर्मी तालिबानी लड़ाकों के सामने सरेंडर करने को मजबूर हैं। अब तक देश के 85% से ज्यादा हिस्से पर तालिबानी लड़ाके अपना कब्जा जमा चुके हैं और वो लगातार कॉम्बिंग करते हुए काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि इसका अंदेशा पहले से ही था, क्योंकि अमेरिकी सेना की मौजूदगी की वजह से अफगान सेना कभी खुद को इतना मजबूत बना ही नहीं पाई कि वो हथियारों और रणनीति के मामले में हाईटेक हो चुके तालिबान का मुकाबला कर सके।
ये तो होना ही था, मगर अब आगे आगे जो होगा उससे तमाम मध्य एशियाई देश फिक्रमंद हैं। ऐसा माना जा रहा है कि तालिबान के इस खूनी खेल के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, जो पिछले कई सालों से अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान से वापसी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि जिस तरह अफगान सरकार भारत के साथ अपने रिश्ते बनाता जा रहा है उससे आने वाले वक्त में उसके लिए खतरा बढ़ सकता है। मगर जो बाइडेन के फैसले के बाद पाकिस्तान की बांछें खिल गई और उसने तालिबान को पूरी तरह से अफगान पर कब्जा जमाने के लिए समर्थन देना शुरू कर दिया। ऐसे में तालिबान का सिर उठाना तो लाजमी था ही, और हुआ भी यही। अमेरिका के जवानों की घर वापसी के साथ तालिबान ने तेजी से अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। जाहिर है पाकिस्तान की नीति और नियत आतंकवाद का समर्थन करती है, यही वजह है कि पाकिस्तान के हक्कानी आतंकियों ने तालिबान से हाथ मिला लिया। इसके बाद से ही अफगानिस्तान में हालात बदलने शुरू हो चुके हैं। अफगानिस्तान में इंच इंच जमीन के लिए खूनी संघर्ष हो रहा है। हर गुजरता दिन अफगानी सरकार के लिए हार की नई इबारत लिख रहा है। दुनिया ने सोचा था कि अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी तालिबान को कमजोर करेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तालिबान कमजोर होने की बजाय पूरी ताकत से उभर कर सामने आ रहा है। तालिबान का ये खूनी खेल तब चल रहा है जब अमेरिकी सेना की अभी पूरी तरह से अफगानिस्तान से वापसी नहीं हुई है। अफगानिस्तान में कुल 20 राज्य हैं, जिनके 421 जिलों में कम से कम आधे पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। खबरों के मुताबिक अब तक तालिबान ने मुल्क के करीब 193 जिलों में कब्जा जमा लिया है। बाकी 139 जिलों में तालिबान और अफगानिस्तान की आर्मी के बीच टकराव जारी है। अब महज 75 जिलों में अफगानिस्तान की सरकार का नियंत्रण बचा है। इस वक्त भी तालिबान के कई शहरों में युद्ध चल रहा है, कई इलाकों में बमबारी हो रही है। बदलते हालात में अपनी जान बचाने के लिए अफगानिस्तान के लोग दूसरे देशों में शरणार्थी बनने को मजबूर हैं। तालिबान की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द उसका काबुल पर कब्जा हो जाएगा। तालिबान की तारीख रही है कि वो अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। यहाँ भी उसने आम लोगों को अपनी ढाल बनाना शुरू कर दिया है। शहर में घुसकर लोगों के घरों पर कब्जा किया जा रहा है। जाहिर है ऐसे हालात में आतंकवादियों से निपटना मुश्किल हो रहा है। तालिबान का अगला प्लान अफगानिस्तान के बड़े शहरों पर जल्द से जल्द कब्जा जमाने का है। ऐतिहासिक गजनी शहर को तालिबान ने घेर लिया है। गजनी वो इलाका है जहां से काबुल और कंधार का अहम रास्ता गुजरता है, यानी तालिबानियों के लिए अब कंधार दूर नहीं। अच्छे भले पटरी पर वापस आते अफगानिस्तान को अमेरिका के एक फैसले ने सड़क पर ला दिया है। यहां फिर से 90 के दशक के हालात पैदा हो गए हैं, फिर वही खौफ नजर आ रहा है। मगर सवाल यह है कि आखिर अमेरिका अफगानिस्तान से लौट क्यों रहा है? तो उसका जवाब सिलसिलेवार तरीके से समझना जरूरी है, और ये कहानी शुरू होती है इस हमले के बाद। दुनिया की इन दो सबसे ऊंची इमारतों में से एक WTC को जब विमान हमला करके ढहाया गया, तब न्यूयॉर्क शहर के साथ साथ पूरा अमेरिका, या यूं कहिए कि पूरी की पूरी दुनिया दहशत के गुबार में सन गई। और तब जाकर इस गुबार में खून से सना हुआ एक नाम सामने आया, तालिबान। यूं तो इस नाम से दुनिया 90 के दशक में ही वाकिफ हो गई थी, मगर तब इसकी पहचान अफगानिस्तान की सरकार और एक संगठन के तौर पर थी। मगर अमेरिका की WTC इमारत को गिराने के बाद ये एक आतंकी संगठन के तौर पर पहचाना जाने लगा, चूंकि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने कसम खा ली कि अमेरिका पर हुए हमले का चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। लिहाजा धड़धड़ाते हुए अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। सिर्फ हमला ही नहीं, अमेरिकी सेना ने तब तक के लिए वहां अपना बसेरा ही बना लिया जब तक कि अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान समेत तमाम आतंकी संगठन खत्म नहीं हो जाते। 20 बरस गुजर जाने के बाद अमेरिकी बंदूकों में गोलियां खत्म हो गई, मगर तालिबान के लड़ाकों की तादाद कम नहीं हुई। कई अरब डॉलर का खर्च हुआ सो अलग,
लिहाजा मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति ने फैसला किया कि वो अपनी सेना को फौरन अफगानिस्तान से बुला रहे हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए और बड़ी तादाद में सैनिक भेजे। ताबड़तोड़ हमले के बाद अफगानिस्तान को फिर से आबाद करने पर भी काफी खर्च किया। पिछले साल दिसंबर तक अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की तादाद 4,000 ही रह गई थी। इस साल सैनिकों की तादाद और भी कम कर दी गई। हालांकि अमेरिका के ऑफिशियल डेटा में स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज और दूसरी यूनिट की सही तादाद जाहिर नहीं की जाती। जंग के दौरान एक वक्त अमेरिकी सैनिकों की तादाद 1,10,000 तक पहुंच गई थी। साल 2002 में अफगानिस्तान के अंदर करीब 5,000 अमेरिकी ट्रूप थे, जो साल दर साल बढ़ते बढ़ते 2011 में 1,10,000 तक पहुंच गई। इसके अलावा अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए निजी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर भी अच्छी खासी तादाद में काम कर रहे थे। अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च के मुताबिक साल 2020 की आखिरी तिमाही में 7,800 अमेरिकी नागरिक अफगानिस्तान में थे। इतना ही नहीं, खर्च के मामले में अमेरिका ने इतना खर्च किया जितना किसी छोटे मोटे देश की जीडीपी होती है। अफगानिस्तानी सुरक्षा बलों की ट्रेनिंग पर अरबों अमेरिकी डॉलर खर्च। अमेरिका ने जो जंगें लड़ी उन पर सालाना 100 अरब डॉलर का खर्च। अफगानिस्तान युद्ध में अक्टूबर 2001 से सितंबर 2019 के बीच 778 अरब डॉलर खर्च हुए। साल 2001 से 2019 के बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान में कुल 822 अरब डॉलर खर्च किए। अब सवाल यह है कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर जो अरबों डॉलर खर्च किए वो गए कहां? क्योंकि नतीजा तो अभी भी सिफर है। अफगानिस्तान में ज्यादातर पैसा आतंक विरोधी प्रोग्राम और सैनिकों की जरूरतों पर खर्च किया गया, जिसमें उनका खाना पीना, मेडिकल केयर, विशेष वेतन और रहने की व्यवस्था शामिल है। इतने सालों के दौरान कुछ पैसा भ्रष्टाचार, घोटालों और दुरुपयोग में भी बर्बाद हुआ है। मगर ये तो थी पैसों की बात। अब आते हैं इंसानी जिंदगियों पर, जो इस 20 साल चली लंबी जंग में जाया हुई। 2001 में तालिबान के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद से 2300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में जान गंवा चुके हैं, जबकि 20,660 सैनिक लड़ाई के दौरान घायल भी हुए हैं। लेकिन अफगानिस्तान के नागरिकों और सुरक्षा बलों के नुकसान के सामने अमेरिकी आंकड़े कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने साल 2019 में कहा था कि उनके राष्ट्रपति बनने के 5 सालों के अंदर अफगानिस्तानी सुरक्षा बलों के 45,000 से ज्यादा जवानों ने अपनी जान गंवाई है। ब्राउन यूनिवर्सिटी ने साल 2019 की एक रिसर्च में ये बताया, अक्टूबर 2001 में जंग शुरू होने के बाद से 64,100 से ज्यादा अफगानी सैनिक और पुलिसकर्मी मारे गए। अफगानिस्तान के संयुक्त राष्ट्र के मिशन के मुताबिक साल 2009 में आंकड़े इकट्ठा करने की शुरुआत के बाद से अब तक 1,11,000 से ज्यादा अफगान नागरिक मारे गए। अमेरिका जाना जाता है अपने दुश्मनों को नेस्तोनाबूद करने के लिए, मगर तालिबान शायद उसके जंगी इतिहास में ऐसे मुखालिफ है जिसे 20 सालों तक जंग लड़ने के बाद भी अमेरिका हरा नहीं पाया। तो सवाल यह है कि आखिर ये तालिबान है क्या? इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी, मगर 9/11 के हमलों के बाद अमेरिकी सेना ने तालिबान को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। एकदम से सत्ता से सड़क पर आना तालिबान के लिए भी बड़ा झटका था, लेकिन उसने इन 20 सालों में धीरे धीरे खुद को मजबूत किया। और इस वक्त हमारे पास आ रही है बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई, जहां राहुल गांधी ने पार्टी छोड़ने वालों पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि जिन्हें पार्टी छोड़नी है वो जा सकते हैं और दूसरी पार्टी के निडर लोगों का स्वागत है। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस छोड़ने वाले लोग आरएसएस के लोग हैं, एक बड़ा आरोप यहां राहुल गांधी की तरफ से, बड़ा बयान राहुल गांधी की तरफ से। वो नेता जो पार्टी छोड़कर गए हैं हाल फिलहाल में, जिसे कांग्रेस पार्टी को एक डेंट भी लगा क्योंकि बड़े नेताओं ने अपने रास्ते अलग किए, तो ऐसे में राहुल गांधी ने पार्टी छोड़ने वालों पर हमला किया और कहा कि ये आरएसएस के लोग हैं। उनको अंदर लाओ और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो, चलो भैया जाओ आरएसएस के, जाओ भागो मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज है।
कोरोना काल की जिस खबर की अब तक आशंका भर थी वो सच्चाई की ओर करीब पहुंच गई है। WHO ने ऐलान कर दिया कि कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, हालांकि अभी ये शुरुआती स्टेज में है। दिल्ली के कुछ बाजारों को फिर से बंद करने की नौबत ना आती अगर कोरोना के खतरे पर हम आगाह होते। कांवड़ यात्रा को मंजूरी दें या नहीं, इसका सवाल सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक ना पहुंचता अगर तीसरी लहर की चिंता सता रही होती। लेकिन कोरोना तो मौजूद है, उसका डेल्टा रूप न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कम से कम 111 देशों में नए केस और मौत की रफ्तार बढ़ा रहा है। डेल्टा कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लेकर आ रहा है। WHO ने कह दिया है कि दुनिया कोरोना की तीसरी लहर के शुरुआती स्टेज में पहुंच चुकी है। The Delta variant is reaping around the world at a scorching pace, driving a new spike in cases and death. After 10 weeks of declines, deaths are increasing again. We continue to hear reports from all regions of the world about hospitals reaching capacity. बीता हफ्ता लगातार चौथा हफ्ता था जब COVID-19 के केस दुनिया भर में दोबारा बढ़े हैं। WHO के 6 क्षेत्रों में से सिर्फ एक को छोड़ दें तो सभी जगहों पर नए केसेस में बढ़ोतरी हुई। 10 हफ्तों की गिरावट के बाद कोरोना से मौतों की तादाद फिर बढ़ने लगी है। WHO के मुताबिक तीसरी लहर को ला रहा डेल्टा वेरियंट बढ़ी सोशल मोबिलिटी के साथ साथ स्वास्थ्य और सामुदायिक सुविधाओं में कमी के कारण पैर पसार रहा है और इन हालातों में भारत जैसे देशों में तनिक भी चूक भारी पड़ सकती है। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है। तीसरी लहर के प्रकोप से बचने के लिए अनुशासन के साथ साथ टीका चाहिए। तीसरी लहर की आशंका को मजबूत बताने वाले ब्रोकरेज फर्म UBS के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 12 जुलाई तक कोरोना वैक्सीन डोज का औसत 34 लाख था, जबकि यही जून में 40 लाख डोज रोजाना थी। वैक्सीन संकोच और सप्लाई दिक्कत दोनों की वजह से वैक्सीनेशन की रफ्तार घटी है। भारत समेत तमाम देशों में वैक्सीन की किल्लत को WHO भी खतरनाक बता रहा है। It is definitely worse in places that have very few vaccines, but the pandemic is not over. आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के लाल पठार गांव में बड़ा हादसा हुआ। कुएं में गिरे बच्चे को बचाने पहुंची भीड़ भी कुएं में जा गिरी। अब तक 19 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, 3 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के विदिशा में बड़ा हादसा हुआ। पठार गांव में 30 से ज्यादा लोग कुएं में गिर गए। 16 लोग कुएं से निकाले जा चुके हैं, लेकिन बाकी लोगों को बचाने का काम जारी है। SDRF और स्थानीय प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई है। 12 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है लाल पठार गांव में। ये पीछे की तस्वीर अगर आप देखें, सबसे पहले तो आपको दिखाएंगे कि NDRF SDRF की टीमें लगातार यहां बनी हुई हैं। जब से ये हादसा हुआ उसके बाद से पहले स्थानीय प्रशासन लोकल पुलिस यहां पहुंचती है और उसके बाद जो मशीनरी है उसे यहां बुलाया जाता है और NDRF SDRF के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। अब 12 घंटे के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। 3 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि दरअसल ये जो जगह है, जो जमीन है, ये बहुत ज्यादा एक जगह धस रही है बार बार, और इसलिए एक समस्या सामने आ रही है कि जैसे ही गड्ढा खोदा जा रहा है तो ऊपर की जमीन जो है वो नीचे धस रही है। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि जो NDRF नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की एलीट टीम है वो यहाँ पर उपस्थित है। आप देख भी सकते हैं उनके पास इक्विपमेंट भी सारा कुछ है, तो दे आर डूइंग देयर बेस्ट एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू गिव देम एज मच सपोर्ट एज पॉसिबल। तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से मैक्सिमम सपोर्ट हम दे रहे हैं उनको। कल शाम 6 बजे कुएं में बच्चे के गिरने से चीख पुकार मच गई। बच्चे को निकालने के लिए भारी संख्या में गांव वाले कुएं पर जमा हो गए। काफी लोग स्लैब पर चढ़कर बच्चे को कुएं से निकालने की कोशिश करने लगे, तभी कुएं पर लगा स्लैब भरभरा कर गिर गया।
और 30 से ज्यादा लोग कुएं में जा गिरे। एक साथ इतने लोगों के गिरने से हड़कंप मच गया। 120 किलोमीटर दूर भोपाल तक आवाज पहुंच गई। आनन फानन में रेस्क्यू टीम विदिशा से रवाना हुई। रात भर रेस्क्यू चलता रहा, अब भी जारी है। फिलहाल ऑपरेशन जरूर चल रहा है, लेकिन कब तक चलेगा ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। अंदर कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, कितने हैं ये भी अब तक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग बातें निकल के सामने अब तक आ रही है। लेकिन 3 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। कई ऐसे हैं 16 से ज्यादा लोग जिन्हों पहले निकाल लिया गया था, अभी भी अंदर कुछ लोग दबे हो सकते हैं, ये तो पुष्टि की है। अभी अंदाजा लग पा रहा है कितने लोग और फंसे हैं? कुछ कह नहीं सकते। लंबा बहुत चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। नहीं, वो धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से धस रहा है। जमीन जो है वो बहुत ही ऐसी है कि जब बार बार धस रही है, जिसके कारण काम करने में दिक्कत आ रही है। राहत के काम में लगा एक ट्रैक्टर भी जमीन के धसकने से गिर गया। 13 से ज्यादा जान आफत में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गोद ली हुई बेटियों की शादी के मौके पर विदिशा में ही थे। उन्होंने विवाह स्थल को ही कंट्रोल रूम बना दिया। वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। रविश पाल सिंह, विदिशा, आज तक।